अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली। बताइए, आज भारत रत्न राजीव भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री संचार क्रांति के नायक 18 साल में युवाओं को वोट का अधिकार देने वाले ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत तक सीधा केंद्र सरकार का पैसा पहुंचाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आज जन्मदिन है। 75वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सम्मान राजबर जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ गोष्ठियों और वृक्षारोपण का तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उनको याद किया जाने के लिए, इस संचार क्रांति के नायक का हम संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए आज हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया है। हम कहना चाहते हैं कि जिस मोबाइल को लेकर हिंदुस्तान में राजीव गांधी आए, उसी मोबाइल के माध्यम से उसी मोबाइल का विरोध करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग थे। जब हम संचार क्रांति लेकर आए तो तमाम संघ के लोग, तमाम भाजपा के लोग इस संचार क्रांति का विरोध करते थे। जब हमने 18 साल के युवाओं को मताधिकार का कानून बनाया तब भी ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उसका विरोध करते थे। जब हमने पूरा पैसा ग्राम प्रधानों के माध्यम से स्वास्थ्य के नाम पर और शिक्षा के नाम पर खर्च करने का जब योजना बनाई तब भी ये लोग विरोध करते थे। आज हम ये कहना चाहते हैं, उसी मोबाइल क्रांति के बल पर, उसी संचार क्रांति के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पे काबिज हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है। आज हम ये कहना चाहते हैं, राजीव गांधी की जो योजनाएं थी वो फलीभूत हैं, इस देश के युवाओं के हित में हैं और इस देश के हित में हैं। आज हम उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को, उनकी योजनाओं को लोगों को बताते हुए हम आह्वान करते हैं कि राजीव गांधी को नमन करते हुए कि इस देश में जो सरकार है वो सांप्रदायिक सरकार है, इस देश में जो सरकार है वो राष्ट्र को कमजोर करने वाली सरकार है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजीव गांधी से प्रेरणा लेकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर जिस हिंदुस्तान का सपना हमने बनाया है, जिस हिंदुस्तान को हमने बनाने का सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए हम लोग जगह जगह जाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे। और एक और, 400 बच्चों को रोज हम लोग फार्म भर रहे हैं राजीव गांधी प्रतियोगिता के नाम पर। हम लोग 1 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें सब स्कूलों में जाकर उनके फार्म भरेंगे, उन सारे बच्चों को बुलाकर उनका एक आंसर शीट हम देंगे। उस आंसर शीट पर हम राजीव गांधी की जीवन पर जो क्वेश्चन है उनसे हम पूछेंगे और उसके बाद हम लैपटॉप और कई चीज़ें, वहाँ जो फर्स्ट बच्चे आएंगे उनको हम इनाम में देंगे। कि आप को धन आहरण की भी शक्ति दी जाती है। और वो जो उन्होंने ऋषभ मंडल कॉलेज में ये कहा था कि 1 रुपया हम जो केंद्र से भेजते हैं वो केवल 35 पैसे तक आ पाते हैं, 65 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। उसका मतलब ये था कि उस समय जो ब्यूरोक्रेसी की चेन थी, राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस चेन को उन्होंने संकेत दिया था, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राजीव गांधी तो तभी से स्वीकार करते थे कि हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार था। साथियों, ये सब चीजें देखने की बात है। निश्चित रूप से आज जितनी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, उसमें 80% योजनाएं वो हैं जिनकी फाउंडेशन, जिनका लेआउट हमारी कांग्रेस सरकार ने किया था, हमारे राजीव गांधी जी ने किया था, नरसिम्हा राव जी ने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। वही योजनाएं जो हैं, उनको अंतिम रूप ये लोग दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। साथियों, एक कमी है, जो कमियां हैं वो हमें स्वीकारना चाहिए। एक कमी है